सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माई चैनल राइडर बॉय अमी। और मैं अभी जिस जगह पे निकल रहा हूँ उस जगह का नाम है, आप लोग रास्ते में देखो मैं क्या बताता हूँ। ऐसे में सासाराम के लिए फ़िलहाल मैं अभी निकल रहा हूँ। सो चलते हैं और आगे की ओर, यहाँ से फिर मैं अपना राइड को स्टार्ट कर दूँ। थोड़ा इस बार में गैप हो गया था मेरा राइड पे, बिकॉज थोड़ा प्रॉब्लम था और वेदर भी साथ नहीं दे रहा था, बारिश बारिश ज़्यादा हो रहा था, उसके रीज़न से मैं निकल नहीं पा रहा था। तो काफ़ी दिनों के मशक्क़त के बाद मैं एक डिसाइड किया हूँ लोकेशन, वो भी मानसून का बेस्ट लोकेशन है सासाराम। तो अभी मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ उस जगह का नाम है सासाराम। और सासाराम में अपन दो तीन वाटरफॉल को विजिट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ से मैं देखता हूँ और आगे सासाराम में जैसा होता है मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। और अभी बज रहा है सुबह का 4, मॉर्निंग होने का इंतज़ार है। अभी फ़िलहाल मैं अभी सुबह का 4 बजे राइड कर रहा हूँ मॉर्निंग में जग के। अभी मैं 50 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ गाइस, और होने वाला है सुबह, आप देख सकते हैं मॉर्निंग का नज़ारा। और यहाँ से मैं अपने डेस्टिनेशन को कवर कर लिया हूँ 50 किलोमीटर। मैं अपने घर के बाहर निकलने के बाद 50 किलोमीटर कवर कर लिया हूँ और पहली 50 हाफ सेंचुरी लगा लिया हूँ किलोमीटर का। और यहाँ से अब मेरे को आगे के लिए रवाना, और देख सकते हैं मॉर्निंग होने जा रहा है, अभी सनराइज हुआ नहीं है, 6:30 होने वाला है। और सुबह का मॉर्निंग का क्या मस्त नज़ारों के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं। NH 139 पे हूँ मैं फिलहाल, देख सकते हैं, और मॉर्निंग हो गया है। अभी भी सासाराम मेरे से 100 कुछ किलोमीटर दूर है, और मैप से देख रहा हूँ तो 2 घंटे का रास्ता और बचा हुआ है गाइस। तो चलते हैं और आगे की ओर। फिलहाल मैं पहला चाय पी लिया हूँ और जल्दी से हैदराबाद में पी के मैं निकल गया जल्दी जल्दी में। मेरे राइट साइड में सोन नदी, तो मेरे को सोन नदी राइट साइड से क्रॉस करना पड़ेगा और उसी के साथ ये हाईवे को छोड़ना पड़ेगा। 73 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ मॉर्निंग से, मॉर्निंग में 4 बजे मैं निकला था और 2 घंटे में 73 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। अब हो गया है मॉर्निंग, सुबह अच्छे से, और मौसम वेदर बहुत शानदार है, और इधर सनराइज होने को वाइट वाइट दिख रहा है, खूबसूरत नज़ारों के साथ मैं और आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। अभी मैं हूँ दाऊद नगर में, और दाऊद नगर से मेरे को राइट टर्न लेना है और आगे से सोन नदी जो है, सोन नदी को क्रॉस करके सासाराम के सासाराम एरिया में एंट्री करना है मेरे को। तो भाई फिलहाल मैं अभी दाऊद नगर में हूँ और दाऊद नगर शहर में एंट्री करने वाला हूँ, बट मेरे को एंट्री करना है नहीं, इसके लिए मैं सासाराम के लिए उसके शहर से पहले ही राइट टर्न लेके एक नदी है सोन नदी, तो उसी से मैं चला जाऊंगा अपने राइट टर्न के लिए सासाराम के लिए सॉरी। तो यहाँ से अब 49 किलोमीटर बचा है मेरा जो डेस्टिनेशन है, तो चलते हैं और अपने सासाराम के लिए। तो गाइस मैं अब दाऊद नगर को क्रॉस कर गया हूँ, शहर में एंट्री करके जाना पड़ा, थोड़ा सा टाइम लगा बट कोई नहीं, दाऊद नगर को मैं क्रॉस कर गया हूँ। अब इसके बाद मैं
सोन नदी जो है उसके रिवर को क्रॉस करने के बाद मैं सासाराम में एंट्री कर जाऊंगा। आप फिलहाल देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारों के साथ मैं और आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, और ये है सोन नदी के ओवर ब्रिज। और ये जो सोन नदी और सॉरी औरंगाबाद जिला और सासाराम को कनेक्ट करता है दूसरे को, और अभी बज रहा है सुबह का 7। तो 7 बजे मैं काफ़ी अच्छा डिस्टेंस कवर कर चुका हूँ। चलो, माइंड ब्लोइंग राइडिंग हुआ मेरा, और अभी टोटल राइड मैं कर चुका हूँ 110 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं ग्रीनरी, फुल्ली ग्रीन, और मेरे राइट साइड में भी ग्रीन, और बीच में रिवर है आने वाला है, बहुत काफ़ी लंबा ब्रिज है ये। पता नहीं वो वन वे है या कुछ है, सारे लोग मतलब इसी साइड में एक ही लेन में दोनों अप एंड डाउन कर रहे हैं, पता नहीं होगा वन वे क्या होगा इसके लिए, बट कोई नहीं, मुझे तो जाने से मतलब है, बट थोड़ा संभल के जाना होता है क्योंकि वन वे में क्या होता है ना कि दोनों एक ही पता नहीं चलेगा, तो प्रॉब्लम होता है राइडिंग में। तो आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में ये सोन नदी, काफ़ी बड़ा नदी है सोन नदी, आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है। फिलहाल मैं एंट्री कर गया हूँ सासाराम में, और आप देख सकते हैं सासाराम शहर स्टार्ट हो गया है यहाँ से, और कुछ ही देर में मैं 6 किलोमीटर आगे सासाराम शहर में एंट्री कर जाऊँगा। अभी तो शहर स्टार्ट है, और ये मेरे लेफ्ट साइड में एक अच्छा खासा तालाब है, और ये सासाराम सिटी अमृत तालाब बोलते हैं इसको, इस लोकेशन का नाम है अमृत तालाब। सो गाइस, मैं 149 मतलब 150 किलोमीटर कुछ ही देर में टच कर जाऊंगा, 150। सो मॉर्निंग से मैं अगर 4 बजे से अभी तक का बताऊं तो 8 बजे तक मतलब 4 घंटे में 150 किलोमीटर ही कवर कर पाया हूं, बिकॉज रास्ता उतना भी अच्छा नहीं था, हाईवे थोड़ा सा ब्लॉकेज हाईवे था, मतलब NH जो मिला वो थोड़ा सा मिला बट एवरेज मिला इसके लिए, बट कोई नहीं अच्छा है, 4 घंटे क्या 5 घंटे में भी 150 किलोमीटर कवर तो कर गए ना। तो फाइनली मैं सासाराम में पहुंच गया हूं, और आप देख सकते हैं यहां से शहर स्टार्ट है सासाराम का, और इसी के साथ मैं आगे अपना राइड स्टार्ट करूंगा अगला, जो कि धुआं कुंड, जिसके लिए मैं आया था टारगेट फिक्स करके, उसके लिए मैं अब सर्च करता हूँ धुआं कुंड किधर, यहाँ से कितना दूर है, और धुआं कुंड पहुँचने का कोशिश करता हूँ। तो अभी तक के सफ़र में मेरे को सबसे मस्त और मज़ा एक चीज़ सबसे पॉजिटिव थिंग ये रहा कि 8 बजने को है और धूप अभी तक है नहीं, तो वन ऑफ द बेस्ट वेदर है मेरे लिए, अच्छा है, तो प्लस पॉइंट पॉजिटिव थिंग मिला मेरे को, और इसी प्लस पॉइंट के साथ और आगे की ओर बढ़ता रहता हूँ मैं। फ़िलहाल तो मैं सासाराम में हूँ, और सासाराम को देखते हैं कौन सा लोकेशन किधर है।